बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो आप बताएं, व्हाट डू यू जी, मैं थिंक, आपको बताती हूँ। प्रिपरेशन थैंक हो यू सकती है? जमायरा, बिल्कुल बिल्कुल प्रिपरेशन हो सकती है, दैट इज वेरी मच फिजिबल। आपके लिए 5 to 6 months आर सफिशिएंट अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो। और यू हैव राइटली पॉइंटेड इट आउट कि आपके लिए प्रिपरेशन में गाइडेंस और ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। गाइडेंस से आगे मैं एक चीज आपको रेफर करना चाहूंगी, एंड आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट लेटर, कि आपके साथ आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने की ज्यादा और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो अगर, और यही चीज डिफ्रेंशिएट कर रही होती है बिटवीन अ गुड कैंडिडेट एंड अ बैड कैंडिडेट। सो अगर आप वो चीज करती रहती हैं और आप लोग else, you're welcome. Anybody else अपने आप अपना introduction करवाना चाहें तो please you can speak up. Aksa is doctor of pharmacy. Very good, mashallah. आप सब professional degrees वाले हैं. Anam is clinical psychology masters. So this is very encouraging. आप लोगों की professional degrees हैं, आप masters तक graduation level तक बहुत अच्छी चीजों को पढ़े हुए हैं. तो why do you think कि CSS नहीं हो सकता? And we'll be coming back to this point. Third year MBBS, mashallah, very good to see. BE Civil Engineering, so MPhil in English Literature, mashallah, ये बहुत अच्छी degrees हैं, right? So बात ये है कि CSS को हम लोगों ने खुद मुश्किल बनाया हुआ है, especially essay को, ये इतना मुश्किल है नहीं। और यहाँ पर I also like to say एक चीज बार बार कि हमारे पास ना शायद guidance की, गलत guidance की ज्यादती ज्यादा हो चुकी है। Ali, I'll come back to this question. But सही guidance की कमी है, ये हमारे पास मसला है, राइट? तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि आपका CSS हो नहीं सकता, या ये बहुत मुश्किल होता है, या इसके पासिंग परसेंटेज बहुत कम होती है, या आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फाइन। ऑल दैट इज डिपेंडिंग राइट नाउ इज आप लोग कितनी ज्यादा मेहनत करने के लिए विलिंग है। आप लोग आर यू रेडी टू गिव एवरीथिंग टू दिस कॉज? और सेकेंडली, आपके इंस्ट्रक्टर्स आपके साथ लॉयल्टी के साथ आपको लेकर चलते हैं या नहीं, राइट? सो जी, एनीबडी इज ट्राइंग टू स्पीक अप? मास्टर्स इन प्लांट साइंसेज, यू हैव बेनिफिटेड ऑलरेडी फ्रॉम माय सर्विसेज, थैंक यू। ऑनर्ड बैचलर्स इन एग्रीकल्चर, साद अंसारी बीएस इन जूलॉजी, माशाल्लाह, आई एम रियली प्राउड टू सी ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं और आप लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं। सो आई एम कंप्लीटली श्योर कि आप लोग अगर मेहनत सही से करते हैं, आप लोग You will make me proud one day, inshallah, all of you. एक दफा मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्टिसिपेंट्स, व्हेन यू ज्वाइन द मीटिंग, तो आप प्लीज खुद को म्यूट कर लिया करें, सो दैट डिस्टॉर्शन कम हो। और एडमिन, आप म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री पे कर दें, चैट बॉक्स में जाकर मॉडरेटर ये कर दें तो बेहतर हो जाएगा, राइट? ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग ऑल ऑफ योर चैट्स। मुझे एनवायरमेंट ओवर हियर, राइट, सारे प्रोफेशनल बच्चे हैं यहाँ पर और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि केपेबल ना हो या anyone who might fall behind. So that is about it. I would not waste a lot of your time. So aap log kaun hai ye humne jaan liya. Ab who am I? My name is Dr. Nurul Huda and I have been teaching English essay at CEPI for quite some time now and I will be your instructor till February 2022. All right, Maryam, right, that's great. So I am going to be your instructor for English essay, right? और मेरी क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, वाई एम आई इन पर्टिकुलर टीचिंग इंग्लिश एसे, ऑल ऑफ दिस आई वुड नॉट लाइक टू ब्रैग अबाउट इट। अगर आपको ये चीजें, माय बैकग्राउंड इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, यू कैन इजीली नो इट फ्रॉम आवर पेज। जिसके अलावा आई वुड लाइक टू कम टू दिस एट द एंड ऑफ आवर सेशन, बजाय इसके कि मैं शुरू में अपने बारे में कुछ ब्रैग करना चाहूँ, राइट? आई वुड लाइक टू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो चीजें आपके कंसर्न की हैं, ठीक है, लेट्स कम टू दैट। सो व्हाई आर यू हियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर यू हियर? You're here because CEPI के कुछ फीचर्स हैं चंद, जो मैं आपको बता देना चाहूंगी, जो कि यहाँ के, जो कि हमें स्टैंड आउट करवाते हैं, एंड वाई यू शुड बी हियर, वाई यू शुड बी ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म इन द फर्स्ट प्लेस। सो नंबर वन तो चीज ये है, जैसे मैंने अभी जवायरा को बताया कि देखिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा हैं, पढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म सभी हैं, सभी आकर पढ़ा जरूर रहे होते हैं, हाउएवर लिखता कोई कोई है, राइट? मेहनत कोई कोई करवाता है, इवेलुएशन कोई कोई लेता है, और इस जर्नी को सही से टैकल कैसे करना है ये कोई कोई बताता है।
जस्ट लेक्चर्स ले लेना, इससे क्या है क्या नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स क्या है, दैट डज नॉट मैटर. आपको वो कहीं पर भी मिल जाएंगे. इवन आजकल के जमाने में, वी आर इन द एरा ऑफ डिजिटाइजेशन, आपके पास लीक लेक्चर्स इतने मौजूद हैं, राइट, सभी प्लेटफॉर्म्स के. सो व्हाई आर यू हियर? यू आर हियर बेसिकली बिकॉज आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक जो बड़ी बेसिक चीज चाहिए होती है ना, वो ये होती है कि आपको नंबर वन एक मेंटोर अवेलेबल हो जो कि 24 घंटे 24/7 आपको राइट पाथवे पे लगाए रखे, बजाय इसके कि आप रॉन्ग काइंड ऑफ गाइडेंस या रॉन्ग काइंड ऑफ पाथवे पर चलते रहें, राइट. नंबर टू, यू नीड समबडी टू टेल यू कि अगर आप यहाँ पर, इफ यू आर फॉलिंग बिहाइंड, आपको मोटिवेशन लेवल कम हो रहा है, तो आपको वो बताए कि नहीं, यू कैन डू दिस, राइट. हमारे कुछ लफ्जों का ही आपके ऊपर एक थेरापेटिक इफेक्ट होता है, एंड वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओनस है हमारे ऊपर कि अब आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम जस्ट आपसे मनी का बेनिफिट लेकर चले नहीं जाएंगे, हमें एक्चुअली आपको बाय ऑल मींस पॉसिबल आपकी मंजिल तक पहुंचाना है, राइट. तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, कि हम लोग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे पढ़ा के तो चले जाते हैं, एंड वी अज्यूम के अच्छा पढ़ लिया है तो स्टूडेंट जो है खुद ही प्रैक्टिस कर लेगा और खुद ही अपने आप को हील माइंड इट. ऐसा नहीं होता. वी नो योर साइकोलॉजी, एंड दैट इज द बिगेस्ट क्रक्स ऑफ आवर प्लेटफॉर्म, कि हम लोग एक यूथ सेंट्रिक और एक स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है. हमें पता है, वी कैन रिलेट टू यू कि आपके क्या मसाइल हो सकते हैं. हमें पता है आप जब पहली दफा एसए की क्लास लेके पेन पकड़ के बैठते हैं, आप कितने हेजिटेंट होते हैं. हमें पता है कि इतने ज्यादा डॉन्टिंग किस्म के रिजल्ट्स देखकर आप कितना ज्यादा परेशान होते हैं कि अच्छा 1.9% का रिजल्ट है तो मुझे लिखना नहीं आता, ये लिखना इतना मुश्किल है, 3000 वर्ड्स इज सच अ डॉन्टिंग टास्क, हाउ एम आई गोना डू दिस. हमें पता है कि ये करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए, आपको बार बार कोई होना चाहिए जो आपसे इवेल्युएशन ले, आपसे काम लिखवाए और आपको इंडिविजुअली असेस करे फिर उसके ऊपर. और दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से हमने यहाँ पर लिमिटेड क्लास साइज भी रखा हुआ है. हमें नहीं चाहिए ये कि हम 60 या 70 स्टूडेंट्स का एक क्लासरूम लगा लें एंड देन उसमें से पास कोई भी ना हो रहा और हम स्टूडेंट को नहीं जानते, स्टूडेंट हमें नहीं जानता, हम उसे इंडिविजुअली अटेंशन और फोकस नहीं दे पा रहे, राइट. दैट इज नॉट फीजिबल एट ऑल. हमने लिमिटेड इसको और टारगेटेड इसलिए रखा क्योंकि आई बिलीव एंड एट सीएपीआई वी बिलीव कि हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस हैं. हम 70 स्टूडेंट्स का एक मजमा लगाकर सबको एक मोल्ड में, एक सांचे में ढाल कर नहीं ले चल सकते. हमें मालूम होना चाहिए कि अच्छा किस स्टूडेंट की आर्ग्यूमेंटेशन ठीक है, किसके वोकैब के मसले आ रहे हैं, तो उसको उस तरीके से लेकर चला जाए, राइट. इसको जो है कोहेरेंस करनी नहीं आ रही. सो एवरीबडी has his or her own strengths and weaknesses. जहां आप उसकी weaknesses को rightly point out और diagnose करके उसको ठीक करेंगे, वहां पर आप ये भी करेंगे कि आप उसके strengths को भी encourage करें और उनको enhance करें, right? Similarly, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा paradigm खराब ये है कि institutes में mostly आपको descriptive type या expository types की essays करा दिए जाते हैं, literary essays कोई नहीं करा रहा होता. Even though I believe that they are the easiest kind of essays possible. And it has also been predicted कि 2022 में आपके literary essays ज़्यादा ही आ रहे होंगे, जैसे कि आपके कुछ पिछले सालों में आपने देखा होगा कि admin इनको please mute करते जाइए, thank you. आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि कुछ कुछ पेपर्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, उनके अंदर तमाम के तमाम लिटरेरी एसेज आए होते हैं, एंड द स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया कि अब हम इनको उसी एक लगी बंदी थीम के साथ, उस पैटर्न के साथ किस तरह से टैकल करेंगे, राइट. सो दैट इज ऑल्सो देयर कि कुछ स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है, ये गलत पैराडाइम है कि लिटरेरी एसेज मुश्किल है, लोग नहीं कर सकते. कुछ स्टूडेंट्स उसको बेहतर कर सकते हैं, किसी को आर्गुमेंटेटिव बेहतर आता होता है, कुछ ग्लोबल अफेयर्स को ज्यादा बेहतर टैकल करते हैं, किसी की पाकिस्तान के अफेयर्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, राइट. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जिसकी वजह से वी प्रोक्लेम दिस कि हम एक स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है और हम लिमिटेड क्लास साइज को लेकर 12 स्टूडेंट्स हों, बट यू मेक इट श्योर कि 12 में से एटलीस्ट 11 का तो ऐसे जो है वो क्लियर हो रहा है, राइट. Anam, I'll be taking your questions later. बिल्कुल, आप अपने I'll strongly encourage के interaction रखिए, अपने questions को भी chat box में भी drop करते जाइए और end पर questions में आपके unmute करके भी लूँगी. And this is one thing, another thing कि मैं encourage ये करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ unmute करके या अपने cameras on करके interact करें. Why? Because हमारे ऊपर एक SOPs की तो constraint लगी हुई है कि हमें जो है वो virus की वजह से online classes की तरफ currently ज़्यादा जाना पड़ रहा है. However, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये एक मैक्सिमम तरीके से इंटरैक्टिव और फिजिकल क्लासरूम की तरह से ही हो. व्हाई? बिकॉज़ ये कुछ चीजें मैटर करती हैं. क्या मैं आपकी बातों को ज्यादा सुन रही हूँ? क्या आपके कंसर्न्स वॉइस हो रहे हैं? क्या आपको बोलने का मौका मिल रहा है? एंड आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स गेटिंग डेवलप्ड एडिक्वेटली? अगर आप एक शायर से, इंट्रोवर्ट से होकर बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली मुझे उस चीज का फायदा नहीं है, बिकॉज दैट मीन्स कि हम लोगों का एक कम्फर्ट जोन एस्टैब्लिश नहीं हुआ
राइट, सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे आप उसके बारे में मुझसे खुल के बात कर पा रहे होंगे. दिस इज व्हाई आई वुड एनकरेज, एंड थ्रू आउट हमारा इसी तरह से एक मेथोडोलॉजी होगी कि हम इंटरक्टिव लेकर चलेंगे इसके. ओके, सही. ऑल राइट, एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी शुरू में ही कि आपके एसेज के बारे में एक और गलती ये हो जाती है. एक तो ये है, शाबान, कोई भी बुक्स आप टेक्स्ट बुक्स प्लीज फॉलो ना कीजिए, इन चीजों पर मैं आती हूँ भी. अच्छा, एक तो चीज ये है कि हम लोग आपके कुछ दिनों में क्वेश्चन भी होगा कि क्या मैं आपको कुछ थीम्स ऐसे की करा रही होंगी, तो आंसर इज बिल्कुल करवा रही होंगी. बट एक चीज आप माइंड में रखिएगा, हम लोग एक और बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम क्लासरूम्स में इंस्टीट्यूट्स में आकर स्टूडेंट्स को जस्ट कुछ लगी बंदी थीम्स का डेटा प्रोवाइड करके चले जाते हैं और एंड तक बच्चों को ये नहीं पता होता कि बेसिकली एसे इटसेल्फ क्या है या एसे को कैसे टैकल करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको उन्हीं थीम्स में से एसे नहीं आ रहा, वॉट विल यू डू देन, राइट? तो यहाँ पर आपको बेसिकली सिखाया यही जा रहा होगा इंडिविजुअल अटेंशन के साथ साथ कि एसे लिखना कैसे, क्रिएटिव राइटिंग एक्चुअली होती क्या चीज है. अच्छा, आउटलाइन किस बला का नाम है, बॉडी पैराग्राफ्स को किस तरह से बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करना है, हाउ डू यू राइट एन इंट्रोडक्शन, हाउ डू यू शेप योर कंक्लूजन. देखिए, यहाँ पर देयर इज अ नो नॉनसेंस अप्रोच कि मैं आपको जस्ट कुछ डेटा रिसर्च करके दे जाऊँ, आपको उसका कोई फायदा नहीं. क्या आप मुझे खुद बताएं, आप लोग यहाँ पर इतने ज्यादा पढ़े लिखे मास्टर्स एमफिल लेवल के लोग बैठे हैं, आपके लिए क्या डेटा निकालना मुश्किल काम है? आप लोग रिसर्च करते हैं, आपको ये सारी चीजों का पता है, डेटा आपको CSS के रिलेटेड डेटा किसी वीडियो से YouTube से भी बहुत इजीली मिल जाएगा. मैं अगर आपको यहाँ पर जस्ट डेटा के ब्राउजिंग करके चली जाऊँ, आपको उसका क्या फायदा? बेसिक थिंग इज दिस कि यू शुड नो कि ऐसे लिखा कैसे जाता है. अगर आपको कोई आर्गुमेंट नहीं भी आता तो हाउ डू यू डिराइव द आर्गुमेंट्स, राइट? आर्गुमेंटेशन का आर्ट क्या है? अब आपने 10 सब्जेक्ट्स ऐसे और प्रेसी के अलावा जेन्युइन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो के ऐसे के अलावा हैं, उनको पढ़ते हुए और अपने बैकग्राउंड नॉलेज के जरिए से आपने आर्गुमेंट्स किस तरह से डिराइव करनी है, उनको पॉलिश किस तरह से करना है और इफेक्टिव कैसे बनाना है. तो द थिंग इज दैट ये चीजें बहुत सिंपल हैं. आप लोग इतना पढ़ के आए हुए, राइट? इसके अलावा CSS में आप 10 जेन्युइन सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे असाइड फ्रॉम एसे एंड प्रेसी. उनका नॉलेज आपके पास इतना ज्यादा होता है कि जस्ट आपको यहाँ पे डेटा का बैराज कर देने से फायदा नहीं होगा, आपके लिए वो नॉलेज सफिशिएंट है. द थिंग इज दिस, हाउ डू यू रियलाइज कि आपके सबकॉन्शियस में जो डेटा मौजूद है आपने उसे स्ट्रक्चर कैसे करना है और पेपर पर बेहतरीन तरीके से पुट आउट कैसे करके आना है. एंड दिस लिंक्स यू टू द पॉइंट कि रिटन प्रैक्टिस उसका कितना बड़ा रोल है. आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा टीचर आपको नॉलेज देकर चला गया है, क्या फायदा उसका अगर आपको लिख के वो दिखाना नहीं आता, आपको प्रूफ नहीं करना आता. CSS इज अबाउट ऑल अबाउट अ गेम ऑफ इंप्रेशंस, राइट? आप वो इंप्रेशन कायम नहीं कर पाए ना, तो वो सारा डेटा इट रिमेन इन योर हेड and you got flunked with Anna Fasta. Actually, I was talking to a student in the afternoon and what she said was this, ki I was selected in a very special class of very special institute who they charged me like an exorbitant amount and then still hua kya ki maine unse essay wagera padha but unhone mujhe likhne pe majboor nahi kiya, unhone mujhse written practice nahi li. To kya hua, knowledge to mere paas tha aur knowledge wo teacher ke paas bhi tha. Obviously teacher ke paas knowledge hai, wo aapko just bata ke chala jaye to uska fayda nahi hua. So students place this burden of responsibility on the institute ke unhone mujhse written practice kyun nahi li, right? Unhone mere andar itna confidence nahi tha ki main likhu, unhone kyun nahi itna ek burden liya ki wo class ke baad bhi extra time bachchon ko de rahe ho, right? Extra time mein unki evaluation check kar rahe ho aur uske baad unko individually approach kar kar ke bata rahe ho ki ye tumhe karna hai, ye do's hain, ye don'ts hain. Right, so these are some of the salient features. And why did I say ki aap mere February 2022 tak students rahenge? That wasn't a slip of tongue. Actually, you're gonna be my students till February 2022, kyunki ye session to 2.5 mahine mein khatam ho jayega. Hamari classes experience basis par khatam ho jayengi. But that doesn't mean ki I would disappear right after that. Mujhe pata hai ki aap logon ko meri zarurat hogi till your exam day. Till your exam day, आपको evaluations भी करवानी है, आपको नई नई चीजें learn करनी है, आपको अपनी mistakes को maximum rule out करना है, right? So I wouldn't be, and at CEPI, none of the teachers would be going away anywhere. हम लोग आपके साथ February 2022 तक हैं, right? और इसके बाद जब आप regular classes join करते हैं, आपको किसी मजीद evaluation के लिए हमें extra pay करने की या hidden charges की जरूरत नहीं है. आप freely unlimited evaluations कराएं, and this is also one of the features जो और कोई आपको offer नहीं कर रहा, right?